कैसे हैं आप? सब्जी उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दोनों से हम भी बिल्कुल जबरदस्त हैं। तो जनाब जिनके घर मैं मेहमान आई हूँ वो आप ही खड़े हैं किचन में, तो मैंने कहा उनकी थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ, बेचारी अकेली लगी हुई है, तो आओ हम चलते हैं उधर। तो ये उनकी बेटी गो। हाँ जी, तो माशाल्लाह ये क्यूट सी उनकी बेटी है। आपका नाम क्या है? अक्सा। तो हम दोनों जा रहे हैं किचन में, आपकी किचन में। माशाल्लाह इनका किचन बहुत जबरदस्त है। बना रही है क्या? आप भी बना रही हैं? आप लोगों के लिए खाना तैयार कर रही। मैंने कहा कि हमारे के लिए खाना तैयार किया, क्योंकि भाई हमें जाना है ब्लॉगिंग करने के लिए, तो भूखे तो नहीं जा सकते। खाना खा के पेट पूजा करते हैं, फिर काम कर रहे हैं। पहले पेट पूजा की दिन की काम। हाँ जी, देखिए आप ही, आप हमारे लिए इतना तकल्लुफ कर रही है। पहले भी हमें चाय और बिस्कुट वगैरह लाई है उनके साथ, अभी तो हमारा पेट फुल है, मगर ये फिर दोबारा मसलन कुकिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी स्वीट सी डिश बना रही हैं, पता नहीं क्या बना रही हैं, दिखाते हैं आपको बाद में, अभी ही दिखाएंगे जब ही आप देखेंगे। तो दिखाई देते हैं, चलो दिखाई देते हैं, चिकन बन रहा है। तो मैंने कहा कि खाना खा के फिर हम पाए जाएंगे, कि काफ़ी देर। आज ये व्लॉग हम बहुत ज़बरदस्त बनाने वाले हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? हाँ जी, आप ही आटा बना लिया आपने? जी मैंने आटा भून लिया है, और अभी मैंने साथ रोटी बनाऊंगी, आलू बॉयल करी। मैंने कहा ना साथ में बनाती हूँ आलू वाली टिक्की है, और हमने बनाई थी रात को दाल, और दाल हमने बनाई थी जैसे बाहर होटलों में मिलती है ना, वैसे बनाई थी रेस्टोरेंट में। इसका मैंने कहा साथ वो भी रखूंगी, इंजॉय करेंगे। तो इसका मतलब है भाई जबरदस्त खाना होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत अरसा कुकिंग नहीं की है, तो कुकिंग का मुझे वैसे बहुत ज़्यादा शौक है। तो बहुत अनक्रीम है, मैं कुकिंग का चैनल भी खोलूंगी इंशाल्लाह, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं चैनल खोलूंगी लेकिन मैं देसी चैनल खोलना खोलूंगी, लेकिन ये वाला भी मतलब एक किलो। हाँ जी, ये देखिए मैंने चीज़ें ला दी रखी हैं, लेकिन अभी मैंने फुल तैयारी नहीं की ना। मेरे ना चीज़ें किचन की, वो जो किचन नहीं होता इन्होंने किचन बनाना देसी किचन, तो फिर इन्होंने ना वो चैनल जब ये क्या क्या देखो तो सही क्या क्या है अपी की किचन में, कुछ चीज़ ऐसी भी हो, कुछ चीज़ ऐसी भी हो जो मैं उठा के भाग जाऊँ। हाँ जी, अभी हम बस खाना तैयार करेंगे, थोड़ी देर तक खाना तैयार हो जाएगा, फिर उनको खाना देंगे शराब, तो फिर बाद में मिलते हैं हम, बाहर मिलते हैं जब बाहर जाएंगे हम खाना खाएंगे, ब्लॉगिंग करने के लिए। हाँ खाना भी खाएंगे तभी तो खाएंगे हम, क्या क्या खाएंगे। चलो ठीक है, तो हम मिल के काम करती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मैं तो बहुत खुश हुई इधर आके। हाँ जी, तो जब ना रात को भाई कहता रहा आज की जल्दी करो, आप भी जल्दी करो, हमने जाना है। तो तैयार होते हवाते ना हमें 3 बज गए यार, जब 3 बज गए तो हम तकरीबन 3 बजे बस में बैठे हैं, मगर आगे से इसी टाइम नहीं हमें मिला ना, आगे से हमें इसी टाइम नहीं मिला। तो फिर हमने पता क्या किया, हम नान इस पर बैठ गए। हाँ गुज्जर प्यारा था, क्या नाम था भाई? गुज्जर प्यारा था, हम उस पर बैठ गए, मगर वो ऐसे आया खोती लेडी की तरह, टिक टिक तास तास आया, उसने मारी। तो जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई रात को, फिर हमें ड्रेस का नहीं मालूम था ना, हम आपके से पूछते रहे कि ड्रेस क्या है ड्रेस। तो जी जनाब हम रात के तकरीबन हम उधर उतरे, क्या नाम था जब जहाँ हम उतरे, हम ना तकरीबन कहाँ उतरे थे? हम उतरे थे ठोकर न्यामगढ़, और वहाँ से आए हैं इधर भट्टा चौक। हाँ जी, वहाँ से रक्षा लिया, और रक्षा वाला पता हमें क्या कहता, 2000 रुपया दे दो हम घर पे पहुँचा देंगे। हाय अल्लाह 2000, फिर हमने जी कितने में रक्षा लिया? फिर मैंने जुगाड़ लगाया, 301 बंदे को दिया, 101 बंदे को दिया, फिर 350 इधर दिया, 750 में इधर आ गया, हम 750 में इधर आ गया। वो जो है ना स्टाफ का क्या नाम है, जिधर हम उतरे थे ठोकर, हाँ ठोकर पे हम जब उतरे वहाँ से हम 750 में इधर आए। तो रक्षा वाले ने वैसे मत मार दी, कसम से बहुत दर्द हो रही है कमर में, बहुत शदीद दर्द हो रही है, तो मैंने तो अभी करनी है भाई रेस्ट, ठीक है? तो जो हम उधर जाएंगे आप ही के साथ काम करो, वो तो मैं जा रही हूँ काम करवाऊंगी, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ रेस्ट करनी है, भाई साहब कहते हैं आप ही के साथ काम करवाओ, तो वो मैं गई हूँ किचन में, आपने माशाल्लाह सालन भी तैयार कर ली है, ठीक है, आटा भी गूंद ली है, और अब मेरा तो वहाँ कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं गई तो थी, चलो मैं आप ही तो हेल्प करवाती हूँ, मगर आप ही कहा नहीं आप मेहमान आई हैं आप रेस्ट करें, हम खुद खाना बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं आप ही क्या क्या बनाते हैं।
की जा रही है, आपकी की बेटी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगी है, मुझे तो छोटी अपनी बेटी आयशा याद आ गई इसको देख के, छोटी आयशा को भी घर छोड़ के आई हूँ। तो वैसे सफ़र का बहुत मज़ा आया अभी तक, तो आगे आगे हमें कहाँ कहाँ जाना है आप मेरी वीडियो में ज़रूर देखेंगे। हाँ जी माशाल्लाह, आप ही रोटी बना रहे हैं, मेरे भाई साहब की कर रहे हैं, सलाद बना रहे हैं, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਹੀ ਗਾਇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਦੇਖੇ ਗੁੜੀਆ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਸਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और आप भी माशाल्लाह रोटियां तैयार कर रही है, अभी तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए खाना भी तैयार हो गया मुकम्मल तौर पे, ये देखिए दाल है, ये दाल भी साथ बनाई है और ये चिकन भी साथ बनाया है, तो ये देखिए ये मेरा भाई ये हर वक्त मुझसे डांट खाता रहता है, मगर कोई बात नहीं भाई है ना तो फिर इसलिए डांटती रहती हूँ जी। ये देखें हमारा दस्तरखान तैयार हो गया है, तो खाना बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आ रहा है इधर, तो अभी कुछ देर में हम खाएं। जी जनाब ये देखें हमारा दस्तरखान लग रहा है, तो अभी चीज़ें आ रही हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी मेरी प्यारी प्यारी आप ही तो बहुत ज़्यादा आज मसरूफ़ है, आज मैंने इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, मुझे नहीं पता था मेरे आने से इनको ज्यादा तकलीफ। मान जब आते हैं वो अपना रिज़्क लेके साथ आते हैं, वो मेरा कुछ नहीं खा के जाते, अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क लिखा होता है जी जी बिल्कुल, वो खा के जाते हैं, हम बंदा कुछ नहीं सब क्या लेके जा रहे हैं वो अल्लाह ताला ने लिख के दे, क्या लेके जा रहे हैं आप साग, साग अच्छा जी। तो ये देखें भाई साहब एक और डिश ले आए हैं, तो जी जनाब दाल चिकन साग सलाद चम्मच ये तो खाएंगे ना इनके साथ यार, तो जब हम खाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। आप सालन डाले सबके लिए, नहीं नहीं आप नहीं खुद ही डालना तो जी माशाल्लाह खाना तैयार हो गया, तो जनाब अब हम खाने लगे हैं मजे मजेदार खाना, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त आपने बनाया है, बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया है, पता नहीं मेरा खाना पसंद आता है, नहीं नहीं लग रहा है यार बहुत जबरदस्त है। चलो हम क्या है अपने 2 मिनट अरे लाइक करिए क्या आ गया हमारा। हां जी मैडम मैंने जिसकी ना बिजनेस कॉलें आई हुई है उधर लगी हुई है, अल्लाह जाने किसके साथ ये इतना बिजी है, क्या हुआ गुस्सा कम है आपको क्या कह रही है, नहीं पान खा रही है, की खा रही है लड़ाई आपने देखा जी सीन, तो खाना तैयार हो गया जी, आपने हमारी बहुत ज्यादा किस्मत की है, तो आप हम खाना अभी कर रही है, अभी हम खाना खाने लगे हैं, इसकी तो आदत है दरमियान में से बोलने की, तो अब हम खाना खाने लगे हैं, इनकी आदत है सारा मेमोरी नु भर देना, ते होर ऐसे बंदे दी आदत है तेरी आदत है बगैर एडिटिंग करके सड़ देना, तेरी झूठ बोले जा रे। अच्छा ये धुआं किस चीज का आ रहा है आगे, तो जी माशाल्लाह ये सब खाना खा रहे हैं, तो अली भी खा रहा है, तो ये देखो ये भूखा भी खा रहा है खाना, इसको तो कुछ ज्यादा ही भूख लगती है, मैं तो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूं, चैनल्स पर वो लगेगी ना साथ पकड़ो खीरा भी दो खीरा दो, तो मैं अब खाने लगी हूं, देखती हूं आपने कैसा बनाया है, वैसे वो बात मुझे तो लग रहा है कि बहुत मजेदार बनाया है और मेरे मुंह से भी पानी आ रहा है, मैं खा लूंगी शाबाश जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने चिकन बनाया है और दाल में खा के गई दस्त 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 मेरा मजाक उड़ाती रहती है और क्या करें।
जो मजा है मजा काम ही है। फाइनली खाना खा लिया गया है तो आपकी बर्तन समेट रही है। तो अली जी इधर आओ। तो मैंने कहा कि आप ही ने इतना सुबह से काम किया है तो मैं खुद भी ना क्लोज करवाती हूँ बर्तन। आपकी तो इतनी अच्छी है कि वो ना क्लोज करने नहीं दे रही बर्तन, मैं खुद उठाऊंगी। मैं कहा नहीं मैं आपके साथ देती हूँ। इसको क्या टेंशन है? पता नहीं कि वो टेंशन है ये बड़ी है। इश्क में चलेगा। पता नहीं क्या हो गया। तो जी फाइनली खाना खा लिया गया और बहुत मजा आया है। उम्मीद करती हूं आज का व्लॉग आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलती हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी अल्लाह हाफिज। इसकी टेंशन पूछती हूं इसको क्या मसला है। ओए क्या मसला खड़े इंटा होए भाई ओ मन ओके मसला दस ए टाले दी दी आपने रंगे टाले दी थी अपना भाई मेरा यार अपना भी टाले दी अपना भी टाले ने इन लोग तो चले आप कह दी मेरा यार भज गया अल्लाह माफ करे उसका। ओ यार मेरा यार भज गया पर चले लोगों ने मशूका भज देने ना यार भज शर्म कर ए मेरा भाई तो हर वक्त ही बदतमीजी कुदरे रहता है इन्ने मजाक नहीं करने चाहिए सच्ची की वाकई तेरा यार भज गया बंद कर दे यार भी भाई दे नो मशूका भाई दे।